अरमान मलिक ये बिग बॉस के घर के अंदर धीरे धीरे अपनी चालाकियां अपनी रियल पर्सनैलिटी भा लेकर आ रहे हैं। गेम खेलते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ लोगों की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं, पर्सनल मुद्दे तो उनके खुल ही रहे हैं और ऐसे में इन्होंने लव कटारिया और एलविश पर भी बात कह दी है। जी हाँ, लव कटारिया और एलविश यादव के ऊपर बात करते हुए जो नजर आए हैं अरमान मलिक, जिसपे उनका ये कहना है कि वो ढेर सारी बातें सुनते हैं कई लोगों से ऑन सोशल मीडिया अबाउट कटारिया एंड एलविश, वो क्या है आपको बताते हैं। वीडियो खूब वायरल हो रही है बिग बॉस OTT सीजन 3 के लाइव की, जहां पर अरमान ने कटारिया के सामने बैठकर ही ये बातें की हैं। वहां पर कुछ लोग और भी बैठे हुए हैं, जहां पर अरमान ने ये कहा है कि तमाम किस्से सुनते हैं वो एलविश और कटारिया के बारे में, कि ये लोगों से किस तरह मिलते हैं, कितनी चीजें ये लोग पीठ पीछे करते हैं। दरअसल यहां पर मुद्दा चल रहा था वो जो एलिगेशंस लगे थे इन दोनों के ऊपर, कटारिया और एलविश के ऊपर, कि ये लड़कियां बुलाकर सोशल तरीके से उसको छुपाकर एक्चुअली कहीं उसे रिवील नहीं करते और लड़कियों के साथ इनके अलग रिश्ते बनते हैं, पैसों को देकर ये अपने सेटिस्फैक्शन को पूरा करते हैं, वो भी माइनर लड़कियों के साथ। इस तरह के एलिगेशन सोशल मीडिया पर पहले लगे थे एलविश यादव के ऊपर, और जिस तरह अरमान इसके ऊपर बात करते हुए अब नजर आए हैं, लोग ये कह रहे हैं कि वाह, एलिगेशन तो बड़े सच्चे थे शायद। एलविश और कटारिया पर उन्होंने ये इल्जाम लगाया और साथ ही साथ अपनी सफाई भी उन्होंने ये दे दी कि लोगों से ये सुनते हैं, सोशल मीडिया पर ये बातें होती हैं, लेकिन लोग झूठ भी बोल जाते हैं, इधर उधर की बातें भी करने लग जाते हैं। यानी कि अपने पूरी भड़ास निकालने के बाद ये बात उन्होंने सीधा सोशल मीडिया पर डाल दी कि क्या सच है क्या नहीं हम कैसे जानते हैं। अब अरमान ने ये बात कही तो है, लेकिन कटारिया जब इस बात पर चुप रहे तो लोगों को गुस्सा जरूर आया और उनका यही कहना है कि उसी वक्त अरमान को जवाब दे देना चाहिए था कटारिया को, आखिर क्यों वो चुप रहे हैं। वेल, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लेके बताएगा। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब के बिना बिल्कुल भी ना जाएं।